आज कस्बा कोड़ियागंज भाजपा युवा मोर्चा छर्रा विधानसभा के संयोजक विट्टू वासने के नेतृत्व में पुलवामा में मारे गए भारतीय सेना के जवानों का बदला हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस कर लिया है। इसी के उपलक्ष्य में विट्टू वासने ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों हमारे शहीदों के खून से वैलेंटाइन डे मनाया था, हम उनके भस्म से शिवरात्रि मनाएंगे। बड़े ही धूमधाम से बैंडबाजों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में समस्त नगरवासियों का बड़ा ही योगदान रहा। पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा आतंकवादी हमले में मारे गए, इसका कड़ा जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान में अंदर डाल दिया। हमारे 42 सैनिक 400 आतंकवादी मार गिराए और मैं इसे यही निवेदन करूंगा कि आगे भी किसी ऐसी स्थिति हो तो ऐसा परिणाम अलग बदल जाए। और मोदी से मेरा निवेदन है कि इस देश में नहीं रुकना चाहिए और भारत माता सर हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। 14 तारीख को हमारे यहाँ हमला हुआ था, ये बहुत बड़ी क्षति है और हम हमारे जवानों के साथ इनने पहले टाइम के मनाया था, अब हम इनकी छाती पर चढ़कर इनके आतंकवादियों को मारकर हम शिवरात्रि बनाएंगे। और मैं मोदी से निवेदन करूँगा कि अगर भारतीय सेना के लिए अगर खरोंच भी आई तुम मुझे भी पाकिस्तान में जाना पड़ा तो मैं भी वहाँ के आतंकवादी को मार कर आऊँगा। और मोदी बस अगर टिकट बुक कराता हूँ मैं पूरा पाकिस्तान को खत्म कर आऊँगा। इस खुशी के उपलक्ष में मोहम्मद खालिद भी उपस्थित रहे। इस उपलक्ष में तिरंगा यात्रा निकाल कर जश्न मनाया गया। बिट्टू वासने ने कहा, अभी तो ये दिखाई गई झांकी है, पूरा पाकिस्तान चलाना बाकी है। अगर भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान में जाकर धूल चटाने को तैयार हूं। इस मौके पर सुमित मिश्रा, मीडिया प्रभारी देवेश वासने, अमित ठाकुर, अंकित राजपूत, रिंकू कुमार, हिमांशु वासने, अनमोल तिवारी, हिमांशु वासने, कमल अग्रवाल, कुलदीप सिंह, सुलभ अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, सैरभ वासने, गोपाल वासने, निशु वासने, शिवम शर्मा, हर्ष अग्रवाल, आकाश गोयल, अंकुश राजपूत, बंटी उर्फ देवेंद्र राजपूत, हिमांशु गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। कोड़ियागंज उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट।